अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरा चैनल कुक विद कुसुम में फिर से स्वागत है। तो फिर आप लोगों को पता चल ही गया हो कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे नारियल से लड्डू। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आप कच्चे नारियल से लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो नारियल लिया है। इसके लिए आपको नारियल को बहुत ही बारीक ग्रेट कर लेना है। इसके लिए एक मशीन आता है, उससे क्या है मैंने, आप अपने हिसाब से कीजिए जिससे भी करना है आपको, मतलब लेकिन इसका सब बहुत बारीक बारीक होना चाहिए इसका। तो मैंने एक कटोरा चीनी शक्कर लिया है। शक्कर आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं लेकिन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, वरना ये लड्डू बनेगा नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे इलायची डाला है, मैंने दो तीन इलायची लिया है, उसको उससे से कूट लिया है, उसको डाला है, और फिर एक कटोरी शक्कर डाला है। तो अब इसको अच्छे से हमें इसी तरह मसल मसल करके इसको मिक्स करना है, और मैं इसे अच्छे तरह से मिक्स करना ताकि इसका जो नारियल का जो जूस है, जो पानी होता है वो निकल जाए। तब तक हम इसको इसी तरह से मसलते हुए इसे मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा नारियल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हमने मिला लिया। आप देख सकते हैं इससे इसका जूस जो है निकलना शुरू हो गया। तो इसी तरह हमें इतना तक ही हमें इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। उसके बाद हमें कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देना और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है फिलहाल। उसके बाद हम नारियल को डाल देंगे, जो हमने नारियल को अच्छे से मिक्स कर लिया था, उस मसल लिया था, तो उससे नारियल को हमें इसमें डाल लेना है और इसे अच्छे से भूनना है हमें। और फिलहाल मैंने मीडियम को थोड़ा सा लो से थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लो तो मीडियम फ्लेम तक कर दिया है। तो अब भी इसी तरह से मीडियम फ्लेम में इसे पहले हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब इसका पानी सूख जाएगा लगभग, तब हम इसको फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे। लेकिन आपको लगातार चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं, वरना इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। हमें ब्राउन नहीं करना है, इसको सफ़ेद सफ़ेद ही बनाना है। और एक बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है, आप जब भी लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई ले तो साफ़ सुथरा कढ़ाई ले, और डेली यूज़ वाली कढ़ाई बिल्कुल ना ले, इससे लड्डू जो स्वाद जो है वह ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको साफ़ सुथरा कढ़ाई का इस्तेमाल करना है, और कोशिश कीजिए कि जब भी मिठाई बनाइए कम यूज़ वाले बर्तन में ही बनाइए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो नारियल का पानी है बिल्कुल सूख चुका है। अब हमको हमने फ्लेम को लो कर लेना है। तो मैंने फ्लेम को लो कर लिया है, इसी तरह से बनाइए और इसे अच्छे से भूनना है, इसको जलाना नहीं है। अब हम इसमें और एक चीज़ ऐड करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पहले नारियल को घी में फ्राई कर लेते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है। इसमें हम दूध यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम अमूल पाउडर का यूज़ करें, पाउडर मिल्क जो होता है उसका, आप कोई सा ही पाउडर मिल्क ले सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच पाउडर मिल्क लिया है, और इसे अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे हम इसे। उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना होगा हमें, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि छूने लायक बन जाए, तब तक हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब देख सकते हैं दानेदार बन गया है। तो हमारा जो ये नारियल भून के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें, बस थोड़ा सा ही ठंडा करना है ताकि हम इसे छूने लायक बन जाए। तो मैंने अलग से बर्तन में निकाल लिया है। तो हम सबसे पहले हाथ में ऑयल लगा लेंगे, हाथ में ऑयल लगा के इसको अच्छे से हाथ में अप्लाई कर ले, उसके बाद हम इसमें लड्डू बनाएंगे ताकि ये हाथ में चिपके नहीं, और हमें फटाफट से बना लेना है वरना ये सख्त हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं।
तो इसी तरह से आप अच्छे से और इसको गोल गोल करके अब इसका लड्डू बना लीजिए। अब यकीन मानिए ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। आप भी इसी तरह से बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल सी तरीका है ये। तो इसी तरह से एक एक करके हम सारे लड्डू को बना लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कैसा बना हमारा लड्डू। आप चाहे तो एक चम्मच ले सेट कर सकते हैं, जैसे आप नाप के लिए, तभी आपके सारे जो लड्डू हैं परफेक्ट बनेंगे और एक ही शेप में बनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सारे लड्डू को एक एक करके बना लिया है और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होता है। आप भी इसी तरह से बनाइए और खा के देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।